देखते रहिए UPN0@सिरोन से संजीव त्यागी की रिपोर्ट। शासकीय राजीव गांधी चिकित्सालय सिरोंज का विदिशा CMHO किशोर कुमार नागवंशी ने निरीक्षण किया, जहां निरीक्षण के दौरान दर्जनों मरीजों और उनके साथियों ने CMHO से कई प्रकार की शिकायतें करते हुए कहा कि मरीजों को कूलर पंखा की व्यवस्था नहीं है। अस्पताल में पदस्थ नर्स डिलीवरी के लिए रुपयों की मांग करती हैं, साथ ही स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर विवेक अग्रवाल पर भी कई तरह की लापरवाही और मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करने की भी शिकायत की। इसके साथ ही डॉक्टर विवेक अग्रवाल का इस अस्पताल से ट्रांसफ़र करने के लिए एक व्यक्ति ने आवेदन CMHO को लोगों ने दिया। इसके साथ ही करीब महीने भर पहले चाटोली निवासी एक प्रसूति महिला राधाबाई की भी इसी सिरोंज अस्पताल में डिलीवरी के समय ज़्यादा ब्लीडिंग होने से मृत्यु हो गई थी और डॉक्टर द्वारा इस संबंध में परिजनों को अनजान भी रखा गया था, जहां CMHO श्री नागवंशी ने मृतक राधा के परिजनों को बुलाकर बयान भी दर्ज किए। देखते रहिए UPN0@, ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप हमारे बयान लेने का कह रहे थे, बयान की बात हो रही, मैं बयान ले लिया हूँ। वो तो सर, आप बयान का बोल रहे हैं सर, हमारे बयान कौन लेगा साहब? वो तो पब्लिक ने दिया, सर वो प्रपत्र तो हर महिला का बात है सर, वो प्रपत्र। आप लोग यहाँ पर आज क्या करने के लिए आ गया? हमारा साहब इनने हमारे साथ क्या सा व्यवहार किया उस दिन, हमारे साथ क्या घटना घटी, वो बयान तो देखो हमारे यहाँ से निर्देशित किया मजिस्ट्रेट की जांच के आदेश। अरे सर जय गेट नहीं, जय की बात करो, गांव की मौत हुई है 27 तारीख को, SDM साहब को कलेक्टर साहब को जांच प्रतिवेदन बना के देना, या वो भी जांच आज ही हो रही है। देखिए ना, हम नागरिक है, हम सिरोंज के नागरिक है, हम इनकी शिकायत कर रहे हैं। आप तो वो अलग करेंगे, हम लोग अपने अलग कर रहे हैं। हमारी जांच में जो बातचीत हुई हमारी आप लोग के, क्योंकि पल्स पोलियो चल रहा था, हमारे पास तो समय नहीं था, पूरा कार्यक्रम था और दूसरे कार्यक्रम की रिपोर्ट थी, मीटिंग्स वगैरह होती रही, तो हम लोग फिर आज आए हैं आपके जांच के लिए। और क्योंकि आपके यहाँ कमी थी तो हम नहीं चाहते थे कि आप